जम गई जमीन, थम गया आसमान, पाताल तक पहुंचा पारा, शीतलहर से 2018 का स्वागत, रास्ता भूल गई ट्रेनें, हाईवे में धुंध का राज, धुंध की सबसे बड़ी चादर, पहाड़ों में बर्फ का साम्राज्य, मैदानों में ठंड का कहर, गांवों में अलावों का सहारा, शहरों में ठिठुराती रातें, नए साल में ठंड की थर्ड डिग्री। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। गर्मजोशी से हम स्वागत करते हैं, लेकिन मौसम बड़ा सर्द है। आपके साथ में पुनीत पाठक हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि आज आपकी बात, हमने जो लोगों को परेशानी हो रही है, आपको हमको दिक्कत आ रही है सर्दी के सितम से और ट्रेनों की लेट लतीफी से, इसकी हम बात करने वाले। सर्दी की थर्ड डिग्री ये आज का हमारा मुद्दा और विषय है। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत में इस वक्त ठंड चरम पर है। हाड़ कपाने वाली ठंड जनजीवन पर गहरा असर छोड़ रही है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा समेत समूचे उत्तरी और पूर्वी भारत में घना कोहरा छाया। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 1.4 डिग्री दर्ज हुआ, तो सीकर का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक पहुंचा। उधर जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में करगिल इलाके में न्यूनतम तापमान 0 से 20.6 डिग्री नीचे दर्ज हुआ है। लेह में रात का न्यूनतम तापमान 0 से 16.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। श्रीनगर का न्यूनतम टेम्परेचर 0 से 4.1 डिग्री नीचे चल रहा है। हिमालय की तराई में अच्छी बर्फबारी हो रही है और जाहिर सी बात है कि उत्तर और पूर्व दोनों तरफ से ये सर्द हवाएं पूरे प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, मध्य इलाके को सर्द बना रहे हैं। उत्तर भारत से 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और इन्हीं हवाओं के चलते बीते मंगलवार की रात रायपुर में पारा 11.3 डिग्री तक गिरा। रायपुर, जिसके बारे में कहा जाता कि यहाँ दो मौसम प्रमुख हैं, एक गर्मी और एक बहुत गर्मी, लेकिन यहाँ पारा गिरा 3.4 डिग्री पर भी प्रदेश में तापमान है। चिल्फी घाटी में बर्फ जमने की खबर है। लालपुर मौसम विज्ञान केंद्र के जो मौसम वैज्ञानिक हैं HP चंद्रा, वो ये कहते हैं कि जब तक हवाएं उत्तर से मध्य भारत की तरफ बगैर किसी डिस्टर्बेंस के चलेंगी, तब तक तापमान यूं ही नीचे रहेगा, इसमें गिरावट रहेगी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर संभागों में शीतलहर है। खासतौर पर ग्वालियर संभाग में ठंड ने लोगों को सर्वाधिक बेहाल किया है। स्वाभाविक है कि ये उत्तर भारत से लगता इलाका है, तो वहां पर सर्दी का सितम सर्वाधिक है और सबसे ज्यादा है। तो पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, अलग अलग शहरों में हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल सर्दी का सितम किस कदर पूरे प्रदेश को और अलग अलग इलाकों को प्रभावित कर रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं होती है तो वो थी ट्रैवल करने में, तो वो कितनी दिक्कत है वो भी बताएंगे। लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहां नए साल का स्वागत सर्दी से हुआ है, ठंड से हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड की वजह से कामकाज और आवाजाही प्रभावित है। कहीं स्कूल बंद है तो कहीं ट्रेनों का रास्ता थम चुका है। भोपाल से लेकर इंदौर तक और सागर से लेकर ग्वालियर तक ठंड दिखा रही है पराक्रम। खासकर ग्वालियर तो जमाव बिंदु के करीब तक पहुंचने लगा है। बीते 3 जनवरी को यहां 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। ठंड को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने 5वीं क्लास तक के स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। ये छुट्टी 4 जनवरी से 9 जनवरी तक रहेगी। खरगोन में भी शीतलहर जारी है। यहाँ रात का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ऐसे में गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे जिंदगी कट रही है। यहाँ तो स्कूलों में छुट्टी भी नहीं हुई है, जिसके चलते बच्चों के लिए स्कूल पहुँचना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरअसल इस वक्त देश के पहाड़ी राज्यों हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। यहाँ से होकर जो हवा उत्तर और मध्य भारत में पहुँच रही है, वो बर्फ जैसी तासीर वाली है। इससे पारा तो गिर ही रहा है, साथ ही कोहरे की दीवार भी उठ खड़ी हुई है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में भी राज्य के एक बड़े हिस्से में शीत लहर जारी रहेगी।
यही नहीं, आने वाले कई दिनों में ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, उज्जैन, शहडोल जैसे संभागों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। सबसे कम न्यूनतम तापमान जो ग्वालियर में अंकित किया गया जो 1.9 डिग्री सेल्सियस है, सबसे कम अधिकतम तापमान शिवपुर कला में रही है। शीतलहर की वजह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। गुरुवार की बात करें तो भोपाल का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री, इंदौर का 9.6 डिग्री, ग्वालियर का 1.9 डिग्री और जबलपुर का 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे एक दिन पहले यानी बीते बुधवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री, इंदौर का 23.6 डिग्री, ग्वालियर का 18.4 डिग्री और जबलपुर का 21.5 डिग्री सेल्सियस था। कोहरे की वजह से प्रदेश में ट्रेनों की आमद रफ्त भी प्रभावित हुई है। लंबी दूरी की कम से कम एक दर्जन ट्रेनें इस वक्त लेट चल रही हैं। कई तो 13 से 15 घंटे तक लेट है। इसकी वजह से यात्रियों को तमाम परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। परेशानी आ रही, हमें जाना है मगर कहाँ, अर्जेंटली जाना है मगर हमको पता ही नहीं, गाड़ी आई नहीं, कैसे जाए। ट्रेनों पर कोहरे का कहर का हाल ये है कि सुबह जबलपुर पहुंचने वाली ट्रेनें रात में या फिर दूसरे दिन आ रही हैं। कोहरे की सबसे ज्यादा मार नई दिल्ली से जबलपुर चलने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पर दिख रही है। उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें हैं, जो दिल्ली तरफ से आने वाली ट्रेन्स हैं, मथुरा और दिल्ली और इधर गंगापुर सिटी, इस तरफ ज़्यादा फॉग है तो वहाँ से आने वाली ट्रेनें प्रभावित हो रही है। अगर फॉग ज़्यादा है तो ट्रेनें कुछ डिले होके आ रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो पूरा मध्य प्रदेश इस वक्त ठंड की वजह से अस्त व्यस्त सा हो गया है, पर इसका सबसे ज्यादा असर ट्रेनों पर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो वैसे तो साहब सर्दी बड़ा सुकून देती है और खासतौर से अगर आप छत्तीसगढ़ और रायपुर जैसी जगहों पर रहते हैं तो वहाँ पर गर्मी का सितम ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस समय सर्दी सुकून से थोड़ा सा और ज़्यादा पड़ रही है और इस वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। खासतौर से सेहत को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर रहे होंगे या कर सकते हैं, तो ऐसे में कैसे आप इनसे बचें और वाकई सर्दी के सुकून को महसूस करें, इस पर भी हम बात करेंगे। आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो सर्दी के इस मौसम में तमाम इफेक्ट और उसके असर, सभी असरों के बारे में बात करने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ने हमारे साथ में स्टूडियो में मेरे साथ में डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी हैं जो कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। दूसरा डॉक्टर प्रकाश खरे साहब भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं मौसम विभाग रायपुर से, आपका भी स्वागत है। साथ में आप टीवी स्क्रीन के ऊपर मेरे दो सहयोगियों को देख रहे हैं, इंदौर से साक्षी और भोपाल से नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं और ये भी बताने वाले हैं कि वहाँ पर मौसम का मिजाज क्या है और सर्दी की वजह से कितना असर पड़ा है। और ये भी आपको बता दें कि रायपुर से मेरे सहयोगी स्टार जैन, बिलासपुर से विश्वेश ठाकरे और जगदलपुर से नरेश मिश्र ये भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि इन इलाकों में भी सर्दी का कितना असर पड़ रहा है और क्या क्या चीज़ें प्रभावित हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे साथ में जो यहाँ मौसम के जानकार बैठे डॉक्टर प्रकाश खरे साहब, उन्हीं से करी जी ये जो असर है, ये जैसा भी हम बातचीत आपसे कर रहे थे तो आपने कहा शायद सबसे सर्द रात आज हो सकती है, यहीं से शुरुआत करते हैं, क्या और कितने देर तक ये सर्दी झेलनी पड़ेगी? देखिए मौसम विभाग पूर्वानुमान जो देता है वो 3 दिन का हम लोकल क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान देते हैं और वैसे 5 दिन का पूर्वानुमान, साथ में 2 दिन का और भी उसके ऊपर पूर्वानुमान हम देते हैं, करीब 7 दिन का पूर्वानुमान हो जाता है। तो 3 दिन का पूर्वानुमान तो हमारा ये है कि तापमान जो आज की रात है वो तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस सीजन का सबसे कम तापमान रायपुर के लिए होगा। अच्छा, और उसी प्रकार अगर चलते हैं तो जो उत्तरी भाग हैं जैसे अपने यहाँ बिलासपुर है और सरगुजा है, इन संभागों में असर ज़्यादा ठंड का हम देखते हैं, रायपुर मध्य भाग में आ जाता है और जैसे हम दक्षिण की ओर अगर जाएंगे छत्तीसगढ़ में तो इसका प्रभाव थोड़ा सा और कम हो जाता है। तो आगामी 3 दिनों तक हम ये देखेंगे कि उत्तरी भाग में कुछ कोल्ड वेव जो है शीतलहर जैसी स्थिति भी छत्तीसगढ़ में बनने वाली है, उसके लिए आज हमने 48 घंटे के लिए 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर का चेतावनी भी जारी करी हुई है। वैसे तो लोग सर्दी को एंजॉय करते हैं खरे साहब, लेकिन ये जो सर्दी है थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है और दो चीज़ें लोग जानना चाहते हैं कि कितना कोहरा होगा, कितनी विजिबिलिटी होगी, क्योंकि उसका सीधा असर पड़ता है, चाहे आप एयर ट्रैफिक की बात कर लें कुछ हद तक और बाकी का रोड्स के ऊपर भी नॉर्थ से आने वाले जो हैं और साथ में रेलवे का जो यातायात है उस पर भी असर पड़ता है, तो इसको लेकर के क्या कोई हम अनुमान लगा सकते हैं? आपने जो प्रश्न किया कोहरे के बारे में, तो ये मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव अभी नहीं के बराबर है,
सवेरे करीब 6 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक जो दृश्यता होती है या जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा कम होती है, और उससे रेलवे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर नहीं होगा, बजाय इसके जो एरोप्लेन है जो हवाई यातायात है उसमें थोड़े बहुत फर्क आता है, परंतु वो भी स्थिति यहाँ पे अभी तक कोई विशेष रूप से प्रभावी नहीं रही है। और कोहरे के अलावा अगर हम जाते हैं तो जो शीतलहर की स्थिति है उसके तापमान में अगर हम देखते हैं तो यहाँ तापमान सामान्यतया 7 डिग्री से लेकर 11 डिग्री के बीच इस समय जो सामान्य तापमान है, तो उत्तरी भाग में अगर हम जाएंगे तो 7 डिग्री का तापमान सामान्य तापमान है, तो ये कह देना कि बहुत ठंड है थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा कहना हो जाता है। आज अगर हम रायपुर की बात करें जहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ का जो सामान्य तापमान है वो है 12.3 है, और जबकि हम 11.3 यानी करीब करीब हम 1 डिग्री ही तापमान से कम है, तो ऐसा कोई तो ये और बहुत ज्यादा ये और कम हो सकता है, इतना ही रहेगा, क्या ओवरऑल क्या अनुमान हम लगा सकते हैं अगले 6-7 दिनों को लेकर, क्योंकि नॉर्थ में बर्फबारी की खबरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ सर्दी रहेगी, बरकरार रहेगी या बढ़ेगी, वो हम सुन के जरूर उसको आनंद उठाएं। आगामी 24 घंटे के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि तापमान में जैसा आज की रात है और कल भी थोड़ा सा गिरावट रहेगी, लगभग 11-10 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो रायपुर के बने रहेंगे। उत्तरी भागों में जैसा आपने कुछ अभी जिक्र किया था शुरू में, तो वहां पर हम देखते हैं कुछ यहाँ पहाड़ी इलाके हैं तो एक मेन पार्ट है की जगह है वहां पर तापमान 3 डिग्री पहुंचा है आज भी, और जो अंबिकापुर है ऐसे स्थान, पेंड्रा रोड है, ऐसी जगहों में तापमान 6-7 डिग्री पहुंच जाते हैं, और जो मैदानी भाग हैं जिसमें कि रायपुर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ तो तापमान 10-11 डिग्री बना रहेगा और विशेष चिंता की बात फिलहाल नहीं है। डॉक्टर गिरीश, सेहत को लेकर के एक बड़ी चिंता, हालांकि इसको हेल्दी सीजन कहते हैं लेकिन इस हेल्दी सीजन में भी लोगों को सर्दी जो दिखने में बड़ा ऐसा लगता है कि बड़ी छोटी सी बीमारी है लेकिन इसके बड़े गहरे असर होते हैं, और जो लोग आवाज की बात करते हैं जो बोल करके अपना काम करते हैं जिसमें अपने प्रोफेशन को भी गिनते हैं उनको बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को, और ख़ास तौर से जो अस्थमा रोगी हैं वो भी काफ़ी परेशान इन दिनों में दिख रहे हैं। सर्द का मौसम आते ही सबसे पहले मरीज अक्सर शिकायत करता है कि मुझे सर्दी हो गई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक सर्दियां भी रह रही हैं, तो सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम बात है। ये आम बात तब तक है जब तक रूटीन आपका डिस्टर्ब नहीं होता, आप अपना दिनचर्या दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन अगर आप अस्थमा के रोगी हैं तो ये आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सर्दी बढ़ते ही अस्थमा की बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको सर्दी नहीं भी है और आप अस्थमा रोगी हैं तो बिना सर्दी हुए भी आपको अस्थमा बढ़ने की संभावना रहती है, तो सर्दी के मौसम में अपने आप को बचा के रखना सर्दी से और अस्थमा के अटैक से वो जरूरी है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सर्दी के लिए हमें वैक्सीनेशन जो कि बहुत ज़्यादा अभी जिस पे फोर्स किया जा रहा है WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो हमें सर्दी के सीजन आने से पहले वैक्सीनेशन शेड्यूल अपना पूरा करना चाहिए, और अस्थमा को अगर हम नियमित दवाओं से कंट्रोल रखेंगे तो वो काफ़ी हद तक आपको बचा के रखेगा। अच्छा पाठक जी, इसमें मैं सर्दी के साथ न केवल सर्दी और अस्थमा की परेशानी बढ़ती है बल्कि ऐसी कई सारी बीमारियां जिनकी शायद हमें जानकारी नहीं है जो बढ़ जाता है, जिसमें एक मुख्य है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अच्छा, जो कि सोते समय खर्राटे आते हैं, वो खर्राटों की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना, हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन इतना तक गिर जाता है, जैसे एग्जांपल है हमारे शरीर में नॉर्मली ऑक्सीजन की मात्रा 95-100% होती है। ठीक, ठंड आते ही ऐसे मरीज जो मोटे हैं या जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की परेशानी है, जिन्हें खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, उनके ऑक्सीजन की मात्रा में कमी 50-60% तक आ जाती है। आप अनुमान लगा सकते हैं 95-100-50-60। कई बार ऐसा भी होता है ठंड के दिनों में मोटे लोगों में जिनके हार्ट कमजोर है, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, वो सुबह देख ही नहीं पाते, तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात है। प्रिवेंटिव चीजों के ऊपर भी जाएंगे, इन पर भी बात करेंगे। मेरे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं शहरों में, अलग अलग शहरों में। साक्षी के पास इंदौर चलते हैं। साक्षी, इंदौर में भी बहुत ज्यादा सर्दी के बारे में तो नहीं सुना है, लेकिन इस समय सर्दी कैसी पड़ रही है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में तो सर्दी की खबरें आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, लेकिन इस समय इंदौर कैसा है सर्दी के मामले में और कितना असर पड़ा है जीवन पर? आजा।
जी पुनीत जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देर से ही सही लेकिन जो ठंड का मौसम है उसने इंदौर शहर में भी दस्तक दे दी। हालांकि जो इंदौरियंस है वो काफी समय से वेट कर रहे थे क्योंकि ठंड का मौसम आमतौर से जो लेडीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उन सभी का पसंदीदा सीजन भी होता है। इसमें कई सारे खाने के व्यंजन होते हैं और मस्ती जो होती है वो ठंड में बहुत की जाती है। तो फिलहाल ठंड ने दस्तक दे दी है। कल का जो दिन रहा है, वेंसडे का दिन था, वो सबसे ज्यादा ठंडा दिन इस मौसम का देखने में आया है। और आज भी हम देखें तो करीब 18 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान बना हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ बने हुए काफी देर से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए कि ठंड के मौसम में अमूमन आप सभी लोग कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? हम लोग को सुबह जाने में बहुत परेशानी होती है और कोचिंग भी जाते हैं शाम को भी, किसी भी टाइम पे हम लोग कोचिंग जाना रहता है तो ठंडी का बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है। उठने का मन ही नहीं करता गद्दे से, ऐसा लगता है सोते रहो बस, अपने नहाने का भी मन नहीं करता तो बस सोते रहते हैं हम लोग। ये ठंडी का प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाने में भी वो दिक्कत हो रही है। जी आप बताइए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और मौसमी बीमारियां जो है उनका भी प्रकोप ठंड के सीजन में ज्यादा हो जाता है, तो दिक्कतें क्या क्या आती है मेजरली? दिक्कतें सुबह से 6 बजे उठ के जाओ, फिर नाश्ता बनाओ उसमें भी सुबह से, और कोचिंग भी बहुत मतलब लेट भी वो हो जाता है, मतलब लेट भी नहीं हो रहा है उसके कारण। तो उसमें मतलब कोचिंग वालों से ये कहना चाहती हूँ कि वो मतलब थोड़ा सा लेट कर दें क्लासेस, जिससे हम लोग को मतलब प्रॉब्लम्स नहीं हो। सुबह से फिर ठंड भी रहती है तो उसमें बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। जी तो देख सकते हैं अब ठंड में कई बार क्या होता है, गर्मी में तो हम जैसे होते हैं वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन अब ठंड का सीजन है, अपने आप का बचाव करना है, पूरी तरह से जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, ये सारी चीजें कैरी करके निकलनी पड़ती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, ऐसे लगता है हम बहुत ज्यादा लोडेड हो गए हैं। ऐसे लगता है थोड़ा रिलैक्सेशन रहे तो फिर पढ़ने में भी मन लगता है और ज्यादा नींद भी नहीं आती है। जी अच्छा, आप ठंड के मौसम में कह दें कि इंजॉय भी बहुत ज्यादा किया जाता है, तो किस तरह से इंजॉय करते हैं आप लोग ठंड के सीजन में? यस एग्जैक्टली, मौसम तो बहुत आते हैं लेकिन सबसे फेवरेट जो इंजॉय के टर्म्स में होता है वो ठंडी होता है। फ्रेंड्स के साथ चाय पीना, ग्रुप्स कैंप फायर, जैसे अभी ये कैंप फायर फायर के है, इसके साथ हम स्टडीज करेंगे, तो ये सारे मोमेंट्स बन जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं हम। जी तो रोज शाम को इसी तरह आप लोग अलाव पर ऐसे हाथ तापते हैं तो इससे मतलब कितना अच्छा लगता है, गेट टुगेदर की तरह भी हो जाता है और ठंड के सीजन से थोड़ी निजात भी मिल जाती है। बहुत अच्छा लगता है, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं और ठंडी भी थोड़ी कम लगती है। चलिए तो सबको मिल बैठकर बातें करने का मौका साथ किस तरह से ठंड के मौसम का मजा साक्षी लौटेंगे, साक्षी आपके पास में लौटेंगे। और हालांकि एक सवाल के साथ में मैं लौटूंगा कि जिक्र किया था आपने और इंदौरीज फूडी भी होते हैं, खान पान के लिए भी जाने जाते हैं और बहुत सारी डिशेज इंदौर की, मालवा की इस सीजन में भी खाई जाती है, उनके बारे में भी जरा चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं भोपाल जाना चाहूँगा, भोपाल में भी बहुत देर से नवीन वेट कर रहे हैं। नवीन, क्या मौसम का रुख है इस समय सर्दी को लेकर के राजधानी भोपाल में, क्योंकि जितना हमने देखा सुना है भोपाल में जबरदस्त सर्दी का असर देखा जा रहा है? देखिए पुनीत, बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में खासकर सर्दी का सितम काफी देखने को मिल रहा है। जो पिछली रात रही है वो सीजन की सबसे सर्द रात रही है, 7 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4 डिग्री पारा गिरा है, उसके बाद 7 डिग्री पर कल पूरी रात लोगों ने गुजारी है भोपाल के लोगों ने। और पुनीत साथ साथ ये भी बता दूं, न केवल सर्दी का सितम है बल्कि एक तरीके से लोग इंजॉय भी कर रहे हैं सर्दी को। आप मोहल्ले में है इस वक्त हम हैं और एक तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक मोहल्लेबाजी हो रही है, साथ साथ बातचीत भी चल रही है घर परिवार की, इसके अलावा बच्चे भी सारे लोग हैं। मैडम बताइए आप लोग कैसे, कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, सुबह सर्दी में उठ नहीं पाते हैं, उसके बाद भी वो स्कूल जाते हैं। और सर्दी से बचने के लिए मैं बताना चाहूंगी कि गर्म पानी, अदरक वाली चाय, ये सारी चीजें ली जाए। मेरे साथ और भी लोग हैं, आप बताइए कितना सर्दी का असर पड़ रहा है? सर्दी इस बार बहुत ज्यादा है, एकदम से पड़ने से सब लोग परेशान हो रहे हैं सर्दी में। आप बताइए, आपके साथ तो बच्ची भी है, आप बताइए कितनी सर्दी बहुत पड़ रही है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर ही निकल पा रहे हैं, बच्चों को बहुत गर्म गर्म कपड़े बाहर पहना के निकालना पड़ता है, तो बस बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैडम आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? सर्दी इस बार सर्दी बहुत अधिक पड़ रही है, बच्चों को हर रोज गर्म खाना, गर्म चीजें खिलाने में ही सार है। हमें सारी छोटे बच्चों की मम्मियों से यही बोलूंगी, बच्चों की सेफ्टी के रखें और गर्म चीजें खिलाएं। आप बताइए सर, इस बार कैसी सर्दी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, पहली बार सीजन की सबसे सर्द रात रही है? सर्द रात है और बहुत तकलीफ हो रही है सब लोगों को।
चलिए, तो सर्दी की बात करें और रायपुर में जहां हम कहते हैं कि गर्मी और बहुत गर्मी पड़ती है, वहां पर भी सर्दी पड़ रही है। हालांकि नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में सर्दी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं, पर इससे कहीं आपको कोई नुकसान ना हो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में अभी भी सर्दी है और इससे कुछ इलाके बेहाल हैं, खास तौर पर सरगुजा संभाग। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ठंड का हमला हो तो बस अलाव ही कुछ देर राहत देता है। सरगुजा में कड़ाके की ठंड का लोग कुछ इसी तरह सामना कर रहे हैं। यहाँ शहरी इलाके में शीतलहर ने जोर पकड़ा है तो पहाड़ी इलाकों में तापमान 2 डिग्री तक नीचे गिर गया है। अंबिकापुर शहर का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 6.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उत्तर भारत से आने वाली ठंड और शुष्क हवाएं शीतलहर के रूप में लोगों को परेशान कर रही हैं। फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति नहीं बनने की वजह से बादल छाने की कोई संभावना नहीं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यहां तापमान और गिरेगा। तापमान आज जो न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया अंबिकापुर का वो 6.2 डिग्री सेल्सियस, और आसपास जो जानकारी मिल रही है तो मैन पार्ट के इलाके का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। संभावना है कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन में तापमान में गिरावट होगी। इधर मेकल की तराई पर बसे लोरवी इलाके में भी इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। यहां रात में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ठंड की मार से जहाँ सुबह हलचल देर से होती है, वहीं रातें जल्द वीरान होने लगी हैं। इधर पेंड्रा में कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। यात्रियों को ट्रेनों के इंतजार में घंटों बैठना पड़ रहा है। दूसरी ओर बस्तर में भी ठंड असर दिखा रही है। यहां पारा 7 से 8 डिग्री तक गिर चुका है। इस सीजन में तीसरी बार यहां गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री तक गिर गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुँच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। 6 डिग्री तापमान है और सुबह से काफ़ी ठंड रहती है। यहाँ पे लोरमी जो कि मैकल पर्वत श्रेणी के नीचे बसा हुआ है, यहाँ काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। अमरगंटक के बराबर यहाँ ठंड पड़ती है। यहाँ तो पहले बहुत ठंड पड़ रहा है शुरू से ही, ज़्यादा मतलब यहाँ बहुत लोग आते थे, उसके बाद ना यहाँ जैसे ठंड पड़ गया उसके बाद आने लोग बहुत कम हो गए। यहाँ 4-5 लोग ही बस आते हैं। अभी 3-4 दिन से तो फर्क पड़ा ठंड का, रात में लोग निकलना थोड़ा सा कम करते हैं, दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती हैं, और दिनचर्या में तो थोड़ा फर्क होता है शाम को 6 बजे के बाद। मतलब लबोलुबाब ये कि कुसमी से कोंटा तक और मोहला से सारंगढ़ तक पूरे छत्तीसगढ़ में ठंड है, ठिठुरन है, ओस है, कोहरा है, धुंध है और शीतलहर की मार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, अब हमारे साथ में रायपुर से मेरे सहयोगी स्टार जैन जुड़ रहे हैं और साथ में बिलासपुर से विश्वेश ठाकरे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार के पास पहले चलते हैं। स्टार, लोगों को सर्दी से दिक्कत हो रही है या ये सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? जी सीधा आप लोग से जानते हैं, ये जो ठंड पड़ रही कड़ाके की, इससे कितना आपको मतलब एंजॉय कर रहे हैं इससे या परेशानी बढ़ गई है, क्या आप लोग कहना चाहेंगे? सर परेशानी बढ़ गई है सर, ट्रेन बहुत लेट चल रही है, 4 घंटे ट्रेन लेट चल रही है समता जो है, इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, और इस रूट में कोई गाड़ी भी नहीं है दूसरा। क्या कहना चाहेंगे, ठंड को कितना एंजॉय कर रहे हैं लेकिन उससे मुसीबत भी सामने आई है? देखिए सीजन का सवाल रहता है, ठंड का हम तो एंजॉय जरूर करते हैं लेकिन साथ ही साथ जो परेशानी होती है वह बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ठंड जो है गुलाबी ठंड की तरह नहीं है, अकस्मात अपना रूप जो है बदल चुकी है, और इस तरीके से कोहरे और धुंध के कारण गाड़ियां जो है कंटिन्यू लेट चल रही है, इससे आवागमन भी बाधित हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं और जो ट्रेनें लेट हो रही है लेकिन रेलवे अब तक इसका मैकेनिज्म कोई डेवलप नहीं कर पाई समस्या से समाधान के लिए लोगों को? सर ठंड से तो मज़ा आ रहा है यहाँ, जैसे भी छत्तीसगढ़ में बहुत कम ठंड पड़ती है तो अभी ठंड के अकॉर्डिंग तो अच्छा है, अभी रहना चाहिए इतना ठंड, बट ट्रेन के लिए और यात्रियों के लिए तो अभी समस्या है क्योंकि ट्रेन लेट चल रही है अभी काफ़ी। क्या रेलवे से क्या उम्मीद करते हैं, हर साल की समस्या है, कोई ऐसा मैकेनिज्म अब तक डेवलप नहीं कर पाई रेलवे जिससे लेट कितनी लेट होगी या कब तक आएगी पहले से ही लोगों को मालूम पड़ जाए? सर ये तो अब रेलवे को सोचना पड़ेगा इसे मैकेनिज्म के बारे में, ताकि आगे से यात्रियों को इसके लिए तकलीफ ना हो आगे। क्या कहना चाहेंगे रेलवे के पक्ष में आप लोग?
जी हाँ बिल्कुल, रेलियों को इसमें सुधार करना चाहिए क्योंकि जो है आवागमन के साधन जो है नियमित रूप से संचालित नहीं होता है तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है। साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जिसको जरूरी कार्य के लिए बाहर आना और जाना पड़ता है, उसको काफ़ी समस्याएं होती है, रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं यात्री तो बता रहे हैं कि वो इस ठंड को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं रेल भी जो रेल यातायात पर असर पड़ा है, ट्रेनें जो है घंटों लेट हो रही है, इस पर यात्रियों को जरूर परेशानी हो रही है और लोगों का यही कहना है कि रेलवे को एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि जो ट्रेनें अभी कोहरे की वजह से लेट हो रही है तो कितनी लेट होगी वो यात्रियों को पहले मालूम पड़ जाए ताकि वो अपनी जर्नी या दूसरे काम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। अमूमन हो ये रहा है कि पहले दो घंटे लेट बताता, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चलिए तो कुल मिलाकर रेल यात्रियों को दिक्कत है, लेकिन लोगों ने ये भी स्वीकार किया कि सर्दी को वो एंजॉय करना चाहते हैं और इतनी सर्दी उनको ठीक लग रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर हमारे सहयोगी खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि यात्री वहां पर ज्यादा है और उनको अगर ट्रेन लेट होती तो परेशानी होती और एक सिस्टम बन जाए तो बेहतर है। डॉक्टर गिरीश अग्रवाल जी हमारे साथ में, डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले कि जिन लोगों को इस मौसम में हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है उनको भी थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन लेना चाहिए, थोड़ा सा इस स्थिति के बारे में बताएं और क्या करें ऐसे लोग ये भी बताएं। ठंड के मौसम में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके तहत वो पैरों के हाथों के खून की नलियों में सिकुड़न पैदा होती है। सिकुड़न पैदा होने से ब्लड का सप्लाई हार्ट में बढ़ता है और हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है जिसमें हम सोने की अवस्था में भी जो हमारे बॉडी के सेल्स काम करते हैं तो जितनी एनर्जी वो यूटिलाइज करते हैं उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा 24 घंटा बढ़ा हुआ रहता है, उसके मतलब ये हुआ कि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा चाहिए। सिकुड़न नसों में सिकुड़न और ऑक्सीजन की डिमांड दोनों ज्यादा होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर शूट करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कमजोर हार्ट वाले मरीज को या ऐसे मरीज जो कि हेल्दी हैं मोटे हैं उन्हें भी ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। ठंड के दिनों में हम खाना ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा पसंद करते हैं, सोना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपका हार्ट रिस्क, हाइपरटेंशन का रिस्क, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन का रिस्क बहुत ज्यादा होता है जिसका नतीजा आपको हार्ट अटैक हो सकता है, जिसका नतीजा आपको ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है या पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। ये ठंड में इवन जैसे कि नॉर्मल सर्दी जुकाम है, कमजोर हार्ट वाले मरीज को अगर सर्दी जुकाम हुआ तो वो सर्दी जुकाम उसके लिए जानलेवा हो सकता है हार्ट अटैक के रूप में। कुछ हैबिट्स को चेंज करना चाहिए। देखिए फूड हैबिट के बारे में आपने जिक्र कर दिया, क्या जिस मौसम में अभी हमें सर्दी के मौसम में इसमें क्या कोई हैबिट्स हमको चेंज करना चाहिए सोने की उठने की टाइमिंग को लेकर के या किस तरह से सोना इस बात को लेकर के? देखिए गर्मी में हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और ठंड में हम बिल्कुल नहीं पीते, तो एक डिहाइड्रेशन का एक स्टेटस हमारे बॉडी में डेवलप होता है। अच्छा, डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ हमारे रक्त जो है वो गाढ़े होने लगते हैं तो उसमें वो ब्लड क्लॉट होने की संभावना बढ़ती है। तो हमें पानी की मात्रा हमें हमेशा ही एक नियमित रूप से उतना रहना चाहिए, ऑन एन एवरेज 20 किलो व्यक्ति के लिए 1 लीटर पानी। अच्छा। उस हिसाब से आपको दिन में 3 से 4 लीटर का पानी कम से कम सेवन करना चाहिए। दूसरा खाने पीने में ठंड का मौसम में हर किसी का मन करता है कि हमें हलवा भी चाहिए और पराठा भी चाहिए और पूड़ी भी चाहिए और छोले भटूरे भी चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें हमें अंदर से बहुत कमजोर करती हैं। आप जितना हैवी फूड लेंगे उतना ज्यादा स्टमक को आपके काम करना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट के आसपास ज्यादा जाएगा न कि आपके बाकी ऑर्गन फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, तो ये आपको डैमेज करेगा। नींद हमेशा से ही नींद के लिए एक हमेशा रहा है, कोई कहता है जी मुझे 5 घंटे की नींद है, कोई कहता है मुझे 12 घंटे की नींद है, पर ये शोध में पाया गया कि अनुमान 7.5 से 8.5 घंटे की नींद हर किसी को लेना चाहिए सर्दियों के मौसम में भी। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि आप रात के 2 बजे सो के सुबह 11 बजे उठ रहे हैं। आपका एक सर्कैडियन रिदम होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो भगवान ने सेट किया है। शाम होने के बाद रात के समय आपकी नींद 10 बजे और जैसे कि पहले कहते थे कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, सारी बातें पुरानी हो गई हैं, लेकिन एटलीस्ट ये होना चाहिए कि आप एक हेल्दी
आवर में नींद लें, रात के 10 से सुबह 6। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत, चलिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं, एक नींद को लेकर के और दूसरा खान पान को लेकर के, और ये भी कि हमें पानी का इंटेक जो है वो एकदम घटाना नीचे, और एक बेटर रेशो भी आपने बताया। बिलासपुर चलेंगे, विश्वेश ठाकरे हमारे सहयोगी वेट कर रहे हैं। विश्वेश, बिलासपुर और उसके कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ सर्दी के बारे में अक्सर हम बात करते हैं, क्या मिजाज है वहाँ सर्दी को लेकर मौसम का? पुनीत, यदि बिलासपुर की सर्दी के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसको दो हिस्सों में बांट कर देखना पड़ेगा। जो बिलासपुर का शहरी इलाका है वहाँ पर सर्दी कम है इस साल। यहाँ पर आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा पूरे देश के कुछ हिस्सों के सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर यहाँ पर गया था वो 49.3 तक के यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। तो बिलासपुर शहर का जो इलाका है वो ठंड के प्रकोप से फिलहाल अभी तक के बचा हुआ है, क्योंकि यदि टेम्परेचर की बात करें तो 2010 में यहाँ पर पारा 6.3 गया था, जो सबसे कम था अभी तक का पारा, जो पिछले 20 साल की बात है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार 10 और 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच ये पारा बना हुआ है। लेकिन वहीं जो दूसरे हिस्से की बात करें, जो कि बिलासपुर से जिले की बात करें, जो 20-30 किलोमीटर बाद जो शुरू होता है, जैसे कोटा लोरमी या कोटा पेंड्रा इलाके की बात करें, तो वहाँ पर ठंड का प्रकोप बहुत तेज है। लोरमी के कुछ इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, पेंड्रा के कुछ इलाके हैं जहाँ पर टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री तक के चले गया है, 3 और 4 के बीच में है, तो वहाँ पर ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। लेकिन शहरी इलाके हैं वहाँ पर ठंडी फिलहाल अभी तक के तो ठंड का प्रकोप बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है ये कहा जा सकता है, पर अभी पिछले 2-3-4 दिनों से पारा 9 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो ठंड बढ़ेगी ऐसा लगता है। मौसम वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं कि जैसे उत्तरी हवाएं यहां पर पहुंचती हैं, जैसे वहां पर बर्फबारी तेज होगी। विश्वेश, एक छोटी सी बात और ये कि ट्रेनों को लेकर के भी बिलासपुर का बड़ा महत्व है, रेल ट्रैफिक को लेकर के, और इस पर असर पड़ता है तो फिर जाहिर सी बात है कि बिलासपुर डिवीजन में कितना असर पड़ा ये भी सवाल आता है। कोई असर पड़ा है इसका और कितना असर पड़ा? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है और एक अहम समस्या भी है हर ठंड में बिलासपुर को लेकर, क्योंकि बिलासपुर में दिल्ली से आने वाली पूरी ट्रेनें बिलासपुर से जो गुजरती है वो कटनी रूट से आती हैं, तो वहाँ पर एक ठंड का प्रकोप है। दिल्ली से जब वो ट्रेनें चलती हैं तो कई घंटे, आज ही छत्तीसगढ़ 12 घंटे लेट आई है, उत्कल 1 दिन लेट आई है, तो इस तरीके की जो ट्रेनें कटनी रूट से यहाँ पर पहुँचती है वो बहुत लेट चल रही हैं। साथ ही जो रायपुर से जो मुंबई हावड़ा जो ट्रैक है उस ट्रैक में भी जहाँ पर कोहरे की मार है, जैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है वो रायपुर से आती है लेकिन वो अमृतसर के इलाकों से गुजर कर आती है, तो वहाँ पर एक बड़ा कोहरे की मार है। भोपाल तक के भी, यदि भोपाल से भी आने वाली ट्रेन है वो भी लेट हो रही है, क्योंकि भोपाल के आसपास भी कोहरे बहुत हैं, तो कई ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं। मतलब इसकी संख्या एक आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है, जब कोहरा बढ़ता है तो ट्रेन लेट होने की संख्या 30-35 ट्रेनें एक साथ कई बार ऐसा होता है कि जो अप डाउन दोनों टाइप की ट्रेनें रहती हैं वो लेट हो रही हैं, तो इससे हजारों यात्री यहाँ पर फंस जाते हैं। और यात्रा करने वालों को, जैसा कि स्टार बता रहे थे, स्टार अभी इस समय जैसे स्टेशन पर होंगे तो वहां पर जैसे बता रहे हैं कि यात्रियों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही, तो यात्रियों को ठंड की मार तो झेलनी है, साथ ही जो ट्रेन लेट हो रही है उसकी मार भी झेलनी है, तो दोहरी मार यहां पर यात्रियों के ऊपर पड़ रही है, तो वो एक बड़ा सोचने वाला कारण है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये चल रहा है। लिहाजा रेलवे यदि इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए, बिल्कुल, और स्टार और तमाम यात्री भी यही कह रहे थे, जो कोहरे से कह रहे थे कि अगर ये सिस्टम बन जाए तो ज्यादा बेटर स्थिति बन सकती है। नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं जगदलपुर से, उनका रुख करते हैं। नरेश, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, सर्दी को लोग एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, क्या हाल वहां पर है? धन्यवाद पुनीत, बस्तर का मौसम काफ़ी सुहावना है और सर्दी का सबसे सर्द समय बस्तर में चल रहा है इस समय, और पिछले 15 दिनों में ऐसा है कि लगातार 8 से लेकर के 13 डिग्री न्यूनतम तापमान जो है इसके इर्द गिर्द रहा है और काफ़ी सर्द रातें रही हैं। आज का दिन भी खासा सर्द रहा है। हमारे साथ बस्तर के लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आपने काफ़ी तैयारी कर रखी है, क्या निकलना इतना मुश्किल है? ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी? सामान्य रूप से जितना ठंड हुआ करता था बस्तर में उससे बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस बार। इतना ठंड है कि स्वेटर बेअसर साबित हो रहे हैं और बिना मोटे जैकेट के, बिना वुलन कैप और बिना हैंड ग्लव के निकलना मुश्किल हो गया है। जी, काफ़ी ठंडक हो रही है। जी, ठंड के वजह से सुबह का जो दिनचर्या है वो परिवर्तित हो चुका है, और बस्तर की अगर बात करें तो वेदर के मामले में बस्तर का एक अलग ही स्थान है और इसको लेकर अलग ही चर्चा रहती है। और अभी अपन मौसम की बात करें तो शाम के समय में अपन को बिना गर्म कपड़े के बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जी, इंजॉय कर रहे हैं सर्दी? और ये जगदलपुर में बोलने से ठंड भयंकर है, मेरा सवेरे सवेरे क्लास रहता है, क्या 2 दिन से मेरा ना ठंड की वजह से क्लास मिस हो रहा है। जी,
जी कक्षाएं तक छूट रही है लोगों की, इतनी ठंड है जी। ठंड इतना बढ़ चुका है जिस वजह से जो मार्केट में जो गर्म कपड़ा बिकता है उसका भी रेट काफ़ी हो चुका है, और लोग सुबह जो हम भी मॉर्निंग वॉक में जो निकलते हैं, लेकिन आज का स्थिति ऐसा हो गया, ठंड इतना बढ़ने की वजह से हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, जो हम घर से बाहर कदम ही नहीं रख सकते जी। काफ़ी ठंडक बढ़ी है, लोग घरों में दुबके हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि इस बार तो ठंड तो काफ़ी है, और मैं भी ये भी PSC की कोचिंग कर रहा हूँ, 7 बजे से क्लास लगती है, मैं हमेशा इस बार लेट ही पहुँच रहा हूँ क्लास, और इस प्रकार शहर में तो अलाव की भी व्यवस्था होनी चाहिए जो अभी नहीं है, जिस तरह अलाव होगा वैसा इंजॉय भी करेंगे जी। अलाव के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए यहाँ पर, मेरा भी सुबह कॉलेज रहता है, सुबह 7:30 बजे से, उससे सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक में भी अपन जाते हैं तो पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इससे वो कोहरा भी छाया रहता है रोड में। चलिए ग्वालियर से लेकर अंबिकापुर तक सर्दी का अटैक किस कदर असर डाल रहा है देखिए जरा। उत्तरी हवाओं की वजह से सरगुजा का तापमान दिनों दिन गिरता ही जा रहा है, और साथ ही साथ यहां पे कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, और अब तो ठंड के साथ यहां शीतलहर भी चलने लगी है, इसकी वजह से यहां आम जनजीवन काफी प्रभावित दिख रहा है। आप हमारे ठीक पीछे यहां देख सकते हैं कि लोग अलाव जला के ठंड को भगाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो स्थानीय लोगों से ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार ठंड से कितनी परेशानी हो रही है, कैसे आप ठंड का सामना कर रहे हैं। ठंड से बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, जैसे ठंड की वजह से अपन सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, जल्दी काम नहीं स्टार्ट हो पा रहा है। इस बार कुछ ज़्यादा ठंड है पिछले की अपेक्षा में, इस बार न्यूनतम जो अंबिकापुर का 6 डिग्री न्यूनतम जो सुबेरे का ठंड है, और ज़्यादातर स्कूलें भी सुबेरे ही हैं, जिससे छोटे बच्चों को भी काफ़ी समस्या करना पड़ रहा है। कुछ और लोग उनसे ही बातचीत करते हैं, जो ये ठंड है बुजुर्गों के लिए काफ़ी खतरनाक मानी जा रही है, विशेषज्ञ कहते हैं, ऐसे में आप लोग कैसे अपनी दिनचर्या बना रहे हैं? आजकल दिनचर्या बहुत लेट हो रहा है, हम लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, और शाम का ये 4 बजे ऐसा सुन सपाटा हो जाता है, जिससे ठंड के कारण बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। नगर निगम द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है जी। तो आप देख रहे हैं जैसे कि लोग कह रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, और लोगों को अपनी व्यवस्था से ही यहां पे अलाव जला के उनको ठंड से बचने का प्रयास करना पड़ रहा है। अंबिकापुर में 6 डिग्री न्यूनतम तापमान और मेन पार्ट में 2 डिग्री न्यूनतम तापमान है, जिसकी वजह से यहां पे काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है और लोग परेशान है, साथ ही साथ शीतलहर उन्हें और भी परेशान की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जाने वाला है, यानी कि अभी फिलहाल यहां से तो राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ मनोज सिंह, IBC 24 अंबिकापुर। उत्तरी भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मध्य प्रदेश के चंबल में भी देखने को मिल रहा है। चंबल में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप है, आप देख सकते हैं ये कई सारे लोग हैं जो मौजूद हैं, वो ठंड जो है उसके लिए आग जलाए हुए हैं। नगर निगम की तरफ से तो खास इंतजाम की बात की गई थी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। बुजुर्ग लोग हैं वो अपने घरों के दरवाजे पर आग जला कर बैठे हुए हैं। किस तरह की सर्दी महसूस कर रहे हैं आप? सर्दी बहुत है हमारी, तो अभी तबीयत सर्दी की वजह से ही 4-5 दिन खराब रही, लेकिन आज जो अलाव जलाना पड़ा। और भी लोग हमसे बात करने की कोशिश करें, किस तरह अभी तक जो सीजन की जो सर्दी थी उसमें किस तरह की सर्दी महसूस कर रहे हो? किस तरह तो सर्दी जो है गलन वाली सर्दी पड़ रही है, और बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। बच्चों को छोड़ने के लिए जो है जाना पड़ता है, तो उस समय ऐसा लगता है कि जो है ना जो कपड़े पहन जाते हैं कि वो भी उनको कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी तो इतना कोहरा हो जाता है कि सामने दिखाई तक नहीं देता है, और जो लगता है कि अब इनको स्कूल भेजें नहीं, वो वापस कर दें। वैसे जो कलेक्टर ने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी 9 जनवरी तक घोषित कर दी, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल हैं वो नहीं भी मान रहे। वैसे कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको छुट्टी घोषित कर दी है, लेकिन कुछ लोग अपनी स्कूल है वो मनमानी पे हैं, और जिसके चलते उनको बच्चों को स्कूल सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। चलिए अब हम इंदौर का एक बार फिर से रुक कर सकते हैं, हमारे साथ में साक्षी बनी है। साक्षी, अब थोड़ा सा इंदौर और इंदौर का जो खान पान का सिस्टम है वो सभी जगह फेमस है, सबने पहले दिक्कतें बता दी थी, अब जरा खान पान की क्या तैयारियां करते हैं और किस तरह से सर्दी सेलिब्रेट करने के लिए क्या क्या बना खा रहे हैं ये भी बता दें, फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उसके लिए क्या करना है। जी
जी बिल्कुल पुनीत जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलाव यहाँ पर जला हुआ है, सभी लोग यहाँ पर हाथ सेक रहे हैं और कुल मिलाकर जो सर्दियां हैं उनको इंजॉय यहाँ पर किया जा रहा है। अलाव काफी देर से आप देख रहे जल रहा है और ये आज ही नहीं बल्कि रोजाना यहाँ पर जलता है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, कई सारी जगह हम लोग देखे अलग अलग टाउनशिप्स में और घरों में लोग एक साथ इस तरह अलाव जलाकर शाम को ही नीचे बैठ जाते हैं। तो शाम के समय जो सर्द हवाओं की बयार होती है उससे कहीं ना कहीं निजात लोगों को मिल जाती है और एक थोड़ा इंजॉय करने का लाइट सा मोमेंट भी मिल जाता है। आप हम लोगों को बताइए कि सर्दी में वैसे तो दिक्कतें बहुत सारी आती है लेकिन इंजॉय भी सर्दी के मौसम में किया जाता है। क्या कुछ खाने में आजकल आप अपनी फैमिली को बनाकर खिला रही हैं जो गर्मा गर्म भी हो और सर्दी के लिए अच्छा भी हो? जी जी बिल्कुल, सर्दियों में ही मेन तो खाने पीने का मौसम रहता है, लड्डू हो गए, पकोड़े हो गए, ये सब चीजें सर्दियों में ही मजा आता है खाने का और यही चीजें खाई जाती है। गर्मियों में तो ये सब चीजें अपन खाने का सोच भी नहीं सकते। आंटी आप बताइए कि सर्दी में हम देखें तो क्या कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हेल्दी भी होती हैं और सर्दियों के मौसम में खानी चाहिए? इंदौर तो वैसे ही खान पीने के लिए बहुत फेमस होता है, गराड़ू और ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा सर्दियों में खाई जाती है। गराड़ू तो इंदौर के गराड़ू वैसे भी बहुत पसंद है, इंदौर के गराड़ू वैसे भी बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी बनते हैं यहाँ के गराड़ू। जलेबी और पोहे, जलेबी तो वैसे भी फेमस है और खाने के मामले में तो ठंड के टाइम में बादाम का हलवा है, लड्डू है, मेवे के लड्डू, इस टाइम बहुत खाए जाते हैं। चलिए साक्षी, अब थोड़ा डॉक्टर साहब के पास आते हैं। साक्षी थोड़ा वक्त कम पड़ गया, नहीं तो और थोड़ा सर्दियों में कैसे लोग आनंद उठा रहे हैं ना, जरा इंदौरी से ये पूछते जानते। लेकिन वापस अब डॉक्टर साहब के पास में हमें लौटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप सुन रहे थे, आप हालांकि पहले इस बात का जिक्र कर चुके हो कि पानी का इंटेक हम थोड़ा कम कर देते हैं और खाना पीना थोड़ा सा बढ़ जाता है, इससे काफ़ी सारी समस्याएँ हो सकती हैं। एक तो इनको, ऐसे तमाम लोगों को, हम सबको क्या आपकी सलाह? देखिए खाने पीने का शौक हम हिंदुस्तानियों में शुरू से रहा है और पर्टिकुलरली हम बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हमें इसी टाइप का फूड या इसी टाइप का प्रिपरेशन हमें चाहिए। एक मोटी सी बात है कि आप नॉर्थ में जाएंगे ना तो आपको सर्दियों में लोग गुड़ खाते नजर आएंगे जी, ठीक है, या लहसुन और अदरक। तो लहसुन अदरक या गुड़ ये बेसिकली हमारे बॉडी को बहुत हीट एंड वार्म देता है, सेहत के लिए अच्छा है। शक्कर को अवॉइड करें, गुड़ की चीजों को आप। एक लड्डू का भी जिक्र उन्होंने किया तो कई लोग तो गुड़ के ही लड्डू बनाते हैं इन दिनों में, ये सब चीजें ठीक है इस समय खाने के लिए? बिल्कुल, तिल का लड्डू बनता है खासकर, है ना, काली तिल का लड्डू अगर आप गुड़ से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है वो। एक चीज और, जो हड्डी संबंधी रोग है वो इस समय उभर आते हैं या हड्डियों का दर्द उभर आता है, उन लोगों को आप क्या कहें? आर्थराइटिस की प्रॉब्लम अक्सर बड़ी एज में पाया जाता है और आर्थराइटिस वाले मरीज जरा सा भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि जैसी ठंड आए वो अपनी जगह चेंज करना प्रिफर करते हैं। इतना सीवियर पेन आर्थराइटिस के लोगों को होता है, पर्टिकुलरली अगर घुटने का दर्द इतना तगड़ा है तो आप सोच के देखिए कि उनसे ना चला जाए ना हिला जाए, वो बेड बाउंड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखना चाहिए, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर या अपने घर का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए। और कारण वही है जैसे अपन ने कहा कि खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जब कभी घुटने में दर्द होता है हम गर्म पानी का सेक करते हैं ताकि वहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। ठंड में हमारा एज सच फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से और हड्डियां जोड़ जाम हो जाता है। तो मूवमेंट अपना बना के रखें, टेम्परेचर घर का या रूम का एटलीस्ट जहाँ पे आप रहते हैं उसका मेंटेन करें, उससे आपको प्रॉब्लम कम होगी। चलिए, और सिकाई भी इसमें ठीक हो सकती है? बिल्कुल, सिकाई आपको करते रहना चाहिए। चलिए, तो अब चूंकि वक्त हम अगर और ले पाते तो आप सबसे बात करते और सभी जगह सर्दी का आनंद और इसका सितम दोनों की तस्वीरें आपको दिखाते, लेकिन बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया, तमाम सहयोगियों का शुक्रिया, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का शुक्रिया। आप सर्दी को एंजॉय कर सकें, वाकई इसका लुत्फ उठा सकें, ऐसा कैसे आप करें ये बताने की कोशिश हमारी इस खास प्रस्तुति की थी। आप सर्दी को एंजॉय करें, इसमें दिक्कतें आपकी कम हो ये उम्मीद हम करते हैं। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और सर्दी से जुड़ी हुई खास पेशकश में इतने, लेकिन खबरें अपडेट लगातार जारी IBC 24 पर। नमस्कार।